I want nobody but you. I want nobody but you. Hello guys, good morning and welcome back again to the another video of Bindas Family Vlog and Rohit Ruchi Ki Duniya. So guys, it's a wonderful Saturday और हम दोनों जा रहे हैं यूके, उत्तराखंड वादियों में मम्मी को लेने। सुबह सुबह का टाइम है, निकल पड़े हैं हम दोनों। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे, टोल पे हैं। देख रहा हूँ काफी लोग सैटरडे संडे का लुत्फ उठाने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। काफी सारे बाइकर्स भी दिखे हम लोगों को, तो चलिए चलते हैं हम और आपको आगे का दिखाते हैं नजारा। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, जो कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में पड़ता है। अब हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन आने वाली है। रुचि सो गई है, आप देख सकते हैं सो रही है वो। सो हम रुकेंगे अभी चीतल पे। चीतल जो है इस रूट पे चलने वालों का सबसे फेवरेट मिडवे पॉइंट है। हम भी पहले भी जब बचपन में आते थे तो चीतल ही रुकते थे तब, लेकिन ये रूट नहीं होता था, दूसरा वाला रूट होता था। चलिए आप कंटिन्यू दीजिए हमारा। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए चीतल और चीतल में हमने किया ब्रेकफास्ट। तू आ गया क्या? ब्रेकफास्ट फैंटास्टिक था और अब हम वापस निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। चलिए आप कंटिन्यू रहना हमारे साथ। और हाँ, जब भी कभी जा रहे हो आप देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश, दिखा दीजिए कहाँ रुकना होता है। कटवा लो। तो गाइस, हम रुड़की क्रॉस कर चुके हैं तो, और थोड़ा सा देखा कि फल फ्रूट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं तो हमने सोचा कि चलो अमरूद खाए जाए। सो गाइज, सैटरडे है तो आज काफ़ी भीड़ दिख रही है रोड पे। लगता है दिल्ली एनसीआर की जनता सब निकल पड़ी है पहाड़ों की ओर, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी का मज़ा लेने के लिए। अमूमन इतने बजे, मतलब अभी लगभग कितने बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं और इतना ट्रैफिक होता नहीं है, लेकिन आज वीकेंड होने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा ही है। चलिए आप। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार और दूर से ही हमने करी गंगा जी के दर्शन और बढ़ चले आगे।
सामने ही रायपुर के लिए मुड़ेंगे और यहीं से पास में सहस्त्रधारा भी है। अभी आपको देखिए गाइस, सामने पहाड़ दिखाई देंगे जो कि घर से भी दिखाई देते हैं, वो सीधा मसूरी है। गर्मी फिलहाल धूप अच्छी खासी है देहरादून में भी, इसलिए बाद में अपन चलेंगे सहस्त्रधारा में ठंडा पानी का मजा लेने के लिए। सो गाइस, बस हम घर पहुंचने वाले हैं तो हमने सोचा कि कुछ फल फ्रूट्स ले लें घर के लिए, और मैंने इसके लिए रुचि को लगा दिया काम पे फ्रूट्स लेने के लिए। मैं सामने जो पहाड़ों की बात कर रहा था, ये पहाड़ है गाइस, इसके लेफ्ट साइड में पूरा मसूरी है। सो गाइस, हमने फल ले लिए हैं और हम निकल पड़े घर की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए देहरादून। हाँ जी, सामने देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मुझे ऐसा लग रहा ऊपर रुचि मसूरी में थोड़ा सा वेदर ठीक है ना, ऊपर देखो बादल टाइप दिख रहा है ना। अभी अगर अपन चलेंगे सहस्त्रधारा तब देखते हैं, मसूरी भी जा सकते हैं, मसूरी देखेंगे। मसूरी मेरा भैया के साथ जाने का प्लान है, बॉयज आउटिंग एट मसूरी। क्यों हम नहीं जा सकते? तो गाइज, ये रोड जो सीधी जाती है, ये जाती है एयरपोर्ट की तरफ और ऋषिकेश भी मुड़ती है। सो गाइज, हम पहुंच गए घर। चलो मैं गाड़ी पहले भारी लगा लूं, बाद में करते हैं अंदर, भैया वाली गाड़ी खड़ी होगी। ठीक है, फाइनली हम पहुंच गए घर पे। सो गाइस, फाइनली घर पहुंचने के बाद हम मिले मौसी से और मम्मी से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं सहस्त्रधारा और मसूरी।